अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस की बुक का चैप्टर नंबर 10 है जो कि हमारे पास क्या है, सॉफ्ट टिश्यू के बारे में है। इसमें हम लोगों ने सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज़ के बारे में पढ़ना है, फिर इन इंजरीज़ के रिपेयर के बारे में पढ़ना है, और फिर उन इंजरीज़ में कौन सी स्टेज में आप लोगों ने क्या मैनेजमेंट करनी है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें उसने आपके साथ कुछ सॉफ्ट टिश्यू लेयर्स को डिस्कस किया हुआ है, जो कि मोस्टली हम इनके नाम सुनते रहते हैं, लेकिन अब हम लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में इनकी जो सारी डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो सॉफ्ट टिश्यू लेयर को उस लोगों ने डिस्कस किया हुआ है वो है स्प्रेन। ठीक है, या फिर एक इसके साथ ही हम एक वर्ड सुनते हैं जो कि क्या है, स्ट्रेन। ठीक है, अब स्प्रेन और स्ट्रेन के दरमियान जो डिफरेंस है ये हम लोगों को बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि बहुत बेसिक सी चीज़ है जो सबको पता होती है। अब इसके अंदर जो टी है ना, यहाँ पर स्ट्रेन का जो टी है इससे आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि कोई भी ऐसी इंजरी जो कि मस्कुलर टेंडिनस यूनिट को अफेक्ट कर रही है उसको आप लोगों ने क्या कहना है, दिस इज स्ट्रेन। ठीक है, जबकि कोई भी ऐसी इंजरी जो कि लिगामेंट को अफेक्ट कर रही है उसको आप लोगों ने क्या कहना है, स्प्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होगा जो कि मस्कुलोस्केलेटल टेंडिनस यूनिट को अफेक्ट करेगा, जबकि स्प्रेन क्या होगा जो कि लिगामेंट को अफेक्ट करेगा। अब जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन वो कहते हैं कि किसी भी स्लाइट ट्रॉमा के रिजल्ट में हो सकता है। अब जो स्लाइट ट्रॉमा है वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि अगर रिपीटेडली भी वो जो हमारे पास टेंडन है ये यूनिट है वो बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो रहा है उसके रिजल्ट में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ऐसी बियॉन्ड उसकी या फिर जो है वो ओवर यूज हो रहा है। ठीक है, ओवर यूज के साथ साथ हो सकते हैं या फिर जो है वो ओवर एग्जर्शन की वजह से, रिपीटेड ओवर एग्जर्शन की वजह से, रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से जो इंजरी होगी वो होगी स्ट्रेन। ठीक है, उसके हमारे पास दूसरी तरफ हमारे पास आती है स्प्रेन। स्प्रेन वो कहते हैं कि लिगामेंट की इंजरी, और लिगामेंट हमें पता है कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रक्चर है, और एंकल स्प्रेन हमने बहुत कॉमनली इसका नाम सुना है, क्योंकि ये किसी भी ट्रॉमा के रिजल्ट में होगी। अगर बहुत सडनली कोई ट्रॉमा हो गया है तो उसके रिजल्ट में आप लोग जो है वो रिजल्ट कर सकते हैं स्प्रेन। अब लिगामेंट जो है वो एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर है जिसका काम हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, जिसका काम जो है वो बॉडी पार्टनर्स को क्या करना होता है, स्टेबलाइज करना होता है। तो लिगामेंट की जो इंजरी है ये बहुत ज़्यादा सीवियर, एक तो ट्रॉमा से रिजल्ट होगी, और सीवियर ट्रॉमा क्या होगा, सडन ट्रॉमा होगा उससे रिजल्ट होगी, और ये इंजरी जो है वो एज कम्पेयर टू स्ट्रेन ज़्यादा सीवियर होगी। ठीक है, इसको हम लोगों ने तीन ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है बेस्ड अपॉन इस सेवेरिटी। नंबर वन हम लोग कहते हैं ग्रेड वन है, जिसमें हम कहते हैं कि माइल्ड इंजरी हो गई है। ठीक है, जिसमें सिर्फ लिगामेंट थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है। ग्रेड टू है जिसके अंदर लिगामेंट जो है वो आप कह सकते हैं पार्शियल रप्चर हो गया, वो हमारे पास क्या है, मॉडरेट है। और तीसरे में हमारे पास कंप्लीट रप्चर हो गया और वो क्या है, एक सीवियर स्टेज है। ठीक है, तीनों ग्रेड्स हम लोगों ने लिगामेंट के इंजरी के जो है वो पढ़ लिए, स्ट्रेन और स्प्रेन के दरमियान। आई होप कि आपको डिफरेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो और वर्ड्स आते हैं जिसके बारे में हम मोस्ट कॉमनली सुनते हैं, और वो वर्ड्स हैं हमारे पास डिसलोकेशन एंड सबलग्जेशन। ठीक है, डिसलोकेशन के बारे में भी आप लोगों को आई होप के पता होगा, और सबलग्जेशन के बारे में भी आपको जो है वो पता होगा, लेकिन हम लोग इसको एक पढ़ते हैं दोबारा से। सबलग्जेशन क्या है कि जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो, और डिस्प्लेसमेंट किसी भी बोनी पार्टनर की हो सकती है, यानी हमारे पास अगर इस तरह से ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है, रफ सी एक इमेज है, और ये हमारे पास जो है ग्लेनॉइड फोसा, उसके अंदर हमारे पास ये ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट बन रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अगर बोनी पार्टनर की डिस्प्लेसमेंट हो जाए और वो डिस्प्लेसमेंट पार्शल हो यानी कंप्लीट ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज सबलग्जेशन। तो सबलग्जेशन क्या है, पार्शल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोनी पार्टनर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज सबलग्जेशन। ऑन द अदर हैंड अगर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाए किसी भी बोनी पार्टनर की, तो उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, दिस इज डिसलोकेशन। ठीक है, अब डिसलोकेशन की वजह से क्या हो सकता है, जो एनाटॉमिकल रिलेशनशिप्स हैं, स्ट्रक्चर जो इर्द गिर्द, अगर ये हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस निकल के सुपीरियरली डिसलोकेट हो गया है, पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो गया है, ठीक है, इंफीरियर किसी भी स्पीरियरली पोस्टीरियरली लेटरली किसी भी डायरेक्शन में डिसलोकेट हो गया है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास इसकी वजह से जो सराउंडिंग, ऑब्वियसली हमारे पास सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स थे, मसल अटैचमेंट्स थी, इसके अलावा जो टेंडन थे उनके एनाटॉमिकल जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आल्टर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने याद रखना है कि कंप्लीट डिसलोकेशन के रिजल्ट में एनाटॉमिकल रिलेशनशिप्स क्या हो जाएंगे, आल्टर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है सबलग्जेशन है। सबलग्जेशन में बेसिकली वो कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो किसी भी सेकेंडरी टू एनी टिश्यू ट्रॉमा हो सकता है, कि हो सकता है कि साइड पे मौजूद टेंडन जो है वो वीक हो गया था, ये वो स्ट्रक्चर जिन्होंने आपके इन बोनी पार्टनर्स को क्या करना था, होल्ड करके रखना था, कोई भी सराउंडिंग सॉफ्ट
टिश्यू वीक हो गया था उसकी इंजरी के रिजल्ट में भी जो है वो सबलाइजेशन हो सकती है, सेकेंडरी टू सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा जो है ये रिजल्ट कर सकती है। ठीक है, अब हमारे पास इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कुछ इंजरीज है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास जब मसल टीयर हो जाता है, मसल का टीयर हो जाता है या टेंडन का रप्चर हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी कंप्लीट जो है वो अंडरस्टूड करने वाली कि दो तरह के टीयर हो सकते हैं, दो लेवल्स पे हो सकते हैं, बेसिकली पार्शियल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। देखिए पार्शियल टीयर से क्या मुराद है, फर्स्ट करें कि ये आपका मसल या टेंडन सेगमेंट है जो कि डैमेज हुआ था। पार्शियल टीयर में अभी भी उसके कुछ फाइबर्स हैं वो आपस में क्या है, लिंक्ड है, लेकिन वो ब्रीच हो चुके हैं, कुछ फाइबर्स आपस में ब्रेक डाउन हो चुके हैं, कुछ अभी भी लिंक्ड है। तो जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे, या फिर जब आप इसको मूव करते हैं और आप जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा। तो पार्शियल टीयर में पेन होना जो है वो हो सकता है, जबकि कंप्लीट टीयर में जो है चूंकि फाइबर्स में आप कोई भी आपस में लिंक नहीं रहेगा, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गए हैं, और फिर जब वो मूवमेंट भी कर रहे हैं तो वो मूव ही नहीं हो रहे, आधा सेगमेंट इधर है आधा इधर है, तो वो मूव भी नहीं हो रहे, और पेशेंट को जब आप उसको पैल्पेट करेंगे बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर लगाएंगे तो पेशेंट कंप्लेन कर सकते हैं। तो कंप्लीट टीयर में जब आप मूवमेंट कराते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं मसल को या टेंडन को, तो पेशेंट पेन की कंप्लेन नहीं करेगा, ठीक है, नो पेन होगी। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास इसके अंदर हो गई है। उसके बाद हमारे पास इसके अलावा कुछ ऐसी इंजरीज है जो कि हमारे टेंडन्स को अफेक्ट करती हैं। अच्छा, टेंडन्स को अफेक्ट करने वाली जो इंजरीज है ना, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी है। टेंडिनोपैथिस बेसिकली एक जनरल टर्म है जो कि किसी भी टेंडन रिलेटेड इंजरी को डिफाइन करती है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट तरह की इंजरीज हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास नंबर वन तो टेंडिनाइटिस हो गया, अनाइटिस टर्म भी हम लोग का पता है, ये वर्ड आता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो टेंडन शीट की इन्फ्लेमेशन होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज टेंडिनाइटिस। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास दूसरा हो सकता है टीनोसाइनोवाइटिस, यानी वो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि टेंडन शीट को कवर कर रही थी, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, तो हम उसको क्या कहेंगे, दिस इज टीनोसाइनोवाइटिस। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है टीनोवेजिनाइटिस। ठीक है, वेजिनाइटिस से क्या मुराद है, अगर थिकनिंग हो जाए, इन्फ्लेमेशन इस तरह की हो जिसने क्या कर दिया और टेंडन शीट को थिकन कर दिया हो, तो उसको आप तो क्या कह रहे हैं, दिस इज टीनोवेजिनाइटिस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिंपली एक वर्ड होता है जिसके बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, वो है टेंडनोसिस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू एनी रिपीटेड ट्रॉमा। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट तरह की इंजरीज होगी जो कि टेंडन रिलेटेड है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, वो मैं यही लिख देती हूँ, जो कि हमारे पास क्या हो सकता है, बर्साइटिस हो सकता है। ठीक है, बर्साइटिस क्या है, किसी भी बर्सा की इन्फ्लेमेशन, बर्सा हमें पता है कि जॉइंट के आगे फ्लूड फिल्ड कैविटीज होती है जो कि उसको फ्रिक्शन से प्रिवेंट करती हैं, तो अगर बर्सा की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, दिस इज साइटस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होती है हीम आर्थोसिस। ठीक है, हीम आर्थोसिस, हीम का मतलब क्या होता है, ब्लड। ठीक है, और ब्लड जब भी हमारे पास ज्वाइंट स्पेसिस के अंदर होगा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, हीम आर्थोसिस है। अब यूजली हीम आर्थोसिस जो है यूजली किसी भी ट्रॉमा के रिजल्ट में हो सकता है, जब भी वेसल जो है वो रप्चर कर सकती है, कि कोई भी कॉज हो सकता है ब्लीडिंग का। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग्लियन। ठीक है, क्या कहते हैं, गैंग्लियन। जब भी हमारा जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, एक किस्म की बैलूनिंग हो जाती है। ठीक है, एक सिस्ट बन जाता है जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और आउटवर्ड ग्रोथ हो जाती है, आउट पाउचिंग हो जाती है, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, दिस इज गैंग्लियन। ठीक है, गैंग्लियन के बारे में तो आपने अक्सर जो है वो सुना होगा। उसके अलावा हमारे पास कुछ और टर्म्स होती हैं जिसको मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, उसमें हमारे पास नंबर वन होती है कॉन्ट्यूजन। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी देख रहे होते हैं कि कोई एथलीट या कोई भी बंदा गिरा, गिरने की वजह से उसकी जो वेसल्स हैं वो जॉइंट्स में जो वेसल्स हैं, ये किसी भी जगह पे जो वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी और आपको स्किन के ऊपर एक ब्रूजिंग नज़र आएगी, एक रेडनिंग सी नज़र आएगी, एक ब्लूइश सा स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर दिख सकता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, दिस इज कॉन्ट्यूजन, जो कि किस वजह से हो सकती है, वेसल के रप्चर करने की वजह से हो सकती है। लास्टली हमारे पास आ जाते हैं ओवर यूज सिंड्रोम्स, और आई होप कि आप लोगों ने ओवर यूज सिंड्रोम देखा होगा कि जब भी किसी भी मसल को एक तो या तो उसको मिसयूज़ किया जाता है या उसको डिसयूज़ किया जाता है या उसको ओवर एग्जर्ट किया जाता है, और ये ओवर एग्जर्शन, ये इंसल्ट जो है वो उस पर रिपीटेटिवली हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर स्वेलिंग सीवियर हो जाती है, वहाँ पर पेन हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, दिस इज द ओवर, इस जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, रिपीटेटिव इंजरी, और इसको कमलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये इसका जो है वो दूसरा नाम है, ये इसको रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी भी कह रहे होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको जो सॉफ्ट टिश्यू लेयर्स है, ये वाले जो टॉपिक है, ये कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। मैं साइड पर पिक्चर्स अटैच कर दूंगी ताकि आप लोगों को जो है वो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है वो ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस पढ़ेंगे जो कि ट्रॉमा या किसी पैथोलॉजी से रिजल्ट करती हैं।